जबलपुर इटारसी रेल ट्रैक अब डबल लाइन हो गया है। रेलखंड के काम का पूरे होने के बाद ट्रेनों की गति भी तेज हो जाएगी। साथ ही कुछ दिनों से जो मेगा ब्लॉक चल रहा था अब वह भी खत्म होगा। पश्चिम मध्य रेलवे में यही खंड बचा था जो सिंगल लाइन था। पश्चिम मध्य रेलवे ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। जबलपुर इटारसी रेलखंड अब डबल लाइन हो गया है। पहली बार श्रीधाम एक्सप्रेस को गुजारा गया। सीपीआरओ की माने तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके चलते अब ट्रेनों के संचालन में और भी रफ्तार आएगी और बाकी भी जो काम बचे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी चल रही है। आप सभी को पता है जो कि चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहा है सोनतलाई और बांद्रा तवा के बीच में, जो कि जबलपुर से इटारसी के मध्य सेक्शन है। वहाँ पे ये काम आज पूरा हो गया है और जो सेकेंड लाइन है ये हिस्टोरिकल मतलब अभी तक वहाँ पे पूरे सेक्शन में ये एक जो पैच था वो सिंगल लाइन पैच था, क्योंकि इसके ज्योग्राफिकल बैरियर्स ऐसे थे। तवा नदी है और कुछ हिली रीजन है, वहाँ पे माउंटेन है, टनल है, उसको कट करके दूसरी लाइन का वहाँ पे ले डाउन किया गया था और उसकी कनेक्टिविटी का कार्य चल रहा था। अभी 10:30 बजे इसमें पहली ट्रेन जो है वो निकली है। नई लाइन जो बनी है उसमें सीआरएस ने उसका सैंक्शन दिया है, 75 kbps से उसको सैंक्शन मिला है और पहली ट्रेन जो है जबलपुर की तरफ आने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस उससे गुजर के आई है। तो अब ये हमारे पास ये जो जबलपुर से इटारसी का सेक्शन है वो अब कम्प्लीटली डबल लाइन हो चुका है। मैम आगे इसके आगे भी कुछ काम रहेंगे जो चलते रहेंगे, वो हमेशा से रहते हैं मेंटेनेंस वर्क, वो चलते रहते हैं। ये एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क था और वो भी अब कंप्लीट हो गया और उससे ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडियन रेलवेज के लिए और पश्चिम मध्य रेल के लिए, क्योंकि ये जो सिर्फ एक पैच था पूरे सेक्शन में जो सिंगल लाइन था, वहाँ पे डबल लाइन बनाने में भी काफ़ी मेहनत की गई है और उसके एग्जीक्यूशन में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है उसको ज़रूर देखा जाएगा कि कहाँ पे फेलियर्स हुए। अगर हम इसका देखें, ये तो सिर्फ एनआई का वर्क था जो 4 दिन का था, लेकिन इसके पहले से वहाँ पे ब्रिज बना है और उसमें ट्रैक ले डाउन की गई है, टनल कटी है क्योंकि माउंटेन्स हैं और रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना है, नया ब्रिज है पूरा। तो इस तरह से उसके सर्वे अलाइनमेंट सभी काम होते हैं। तो ये काम हमारा मतलब इट वॉज नॉट एन ईजी वर्क और बहुत छोटा कोई कार्य नहीं था, ये कच्चा बड़ा कार्य था और ये अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।